हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल गंगवार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बीरेंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कार्ड स्लाइडर या फिर आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट स्लाइडर को बनाना सीखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कुछ कार्ड्स ले रखे हैं और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा स्लाइड होगी और आप देख सकते हो ये हमारा रिस्पॉन्सिव भी है। तो अभी मैं इसके रेजोल्यूशन को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारे प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल यही देखेंगे कि आप किस तरह से इस स्लाइडर को बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले वाला स्लाइडर का कोड कर रखा है, तो फिलहाल के लिए मैं अभी इस कोड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो CSS के कोड को यहाँ से मैं हटा देता हूँ और ये जो मेरा कंटेनर है मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ और अपनी स्क्रिप्ट भी अभी हटा देते हैं यहाँ से। तो मैंने ये हटा दिया। अब कुछ मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी लगा रखी हैं तो अभी के लिए मैं इनको भी सबको हटा देता हूँ। हम बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे। तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया ये, और यहाँ पर सिर्फ मैं बूटस्ट्रैप की और jQuery की लाइब्रेरी रहने देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरी बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी है और ये मेरी jQuery की CDN है। तो सबसे पहले हमें एक कंटेनर बना लेते हैं यहाँ पर। तो मैं एक डिब ले लेता हूँ, डिब क्लास, और मैं इसको नाम दे देता हूँ स्लाइडर कंटेनर। स्लाइडर कंटेनर मैंने एक बना लिया है। अब इसके अंदर मुझे आइटम चाहिए, तो मैं डिब क्लास कोल MD3 कर देता हूँ अभी के लिए। और इसके अंदर मुझे एक इमेज चाहिए, तो img image के अंदर मेरी एक यूजर png करके फाइल है, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब एक डिब लेआउट बना लेते हैं और जिसके अंदर हमारा कंटेंट जाएगा। तो यहाँ पर मैं कंटेंट लिख देता हूँ या फिर डिटेल लिख देते हैं, डिटेल्स। डिटेल के अंदर मेरा एक हेडिंग रहेगा H3 में और यहाँ पर इसका टाइटल होगा टाइटल गोज टू, यहाँ पर टाइटल आ जाएगा। और यहाँ पर मैं कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो पैराग्राफ के लिए मैं इप्सम कोड पे चल के वहाँ से इप्सम कोड उठा लेते हैं थोड़ा। यहाँ से ये मैं इप्सम कोड को कॉपी कर लेता हूँ और अपनी इस पैराग्राफ में इंपोर्ट करा देते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि हमारा स्लाइडर कितना वर्क कर रहा है। तो हम इसको चलते हैं यहाँ पर और इसको रीलोड करते हैं। तो अभी हमारे पास कार्ड कुछ इस तरह से दिख रहा है। कुछ इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो ये जो मेरा कंटेनर है इसके अंदर मैं एक डिव और बिठाता हूँ जिसका नाम रखते हैं डिव क्लास कार्ड नाम से कार्ड। ये मैंने कार्ड ले लिया यहाँ पर और इसको इमेज को और डिटेल को मैं इसमें रैप कर दूँगा। तो इसको मैं यहाँ पर जस्ट नीचे पेस्ट कर देता हूँ और अभी देखते हैं हमारा कार्ड कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो कार्ड हमारा यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा। अब हमें क्या एक काम करता हूँ, कार्ड आइटम कर देता हूँ क्योंकि ये हमारी बूटस्ट्रैप में कार्ड की प्रॉपर्टी है। तो ये वहाँ से इसकी CSS को ले रहा है, तो कार्ड आइटम कर देते हैं जिससे कि हम अपनी कस्टम CSS लिखें। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और स्टाइल के अंदर जस्ट यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर इसकी CSS लगा देते हैं। कुछ बॉर्डर 1 pixel सॉलिड कलर इसका दे देते हैं ये। और अभी देखते हैं हमारा कार्ड किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अभी हमारा कार्ड कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर इसको मैं विड्थ कर देता हूँ। अभी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैं फिलहाल 90% ले लेता हूँ और इसको मैं मार्जिन 0 ऑटो कर देते हैं, 0 pixel ऑटो, जिससे ये मेरा सेंटर में आ जाएगा। लेकिन ये अभी सेंटर में नहीं आएगा, उससे पहले मुझे क्या करना होगा, अपना जो मेन रैप है, मेन स्लाइडर कंटेनर है, इसको भी मैं कुछ हाइट और विड्थ को सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर
पेस्ट इसकी मैं विद कर देता हूँ अभी 90% मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो अभी मेरा ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। एक काम करते हैं यहाँ से जो कार्ड की विड्थ आ रही है इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मुझे मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो नहीं चाहिए फिलहाल। अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी हम एक कार्ड की कॉपी और बना लेते हैं कि अभी हमारे कार्ड किस तरह से दिख रहे हैं, जिससे कि आइडिया लग जाए कुछ। तो कॉपी पेस्ट, बाद में मैं इसको हटा दूँगा। अभी एक बार चेक करते हैं तो मेरे कार्ड कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको अभी के लिए इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और एक बार अब रीलोड करके देखते हैं तो मेरा कुछ इस तरह से। अब हम CDN के पास चलते हैं। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है CDNJS, इसको आपको विजिट करना है और यहाँ पर आप सर्च करेंगे सिल्क ब्राउज़र, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही आप सिल्क लिखोगे तो आपके पास सिल्क स्लाइडर आ जाएगा और यहाँ से आप किसी भी वर्ज़न को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर 1.9 को यूज करूँगा। तो यहाँ पर आपके लिए सिल्क मिन जेएस को यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसको आप इंपोर्ट करा लें। तो मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट करा लेता हूँ। उसके बाद में आपके लिए यहाँ पर नीचे की तरफ को आप स्लाइड करोगे तो एक सिल्क थीम मिलेगी, आप इसको कॉपी करें और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लें। फिर एक लाइब्रेरी आपको और यहाँ से कॉपी करना है सिल्क जेएस, सॉरी सिल्क डॉट सी एस एस, इसको भी कॉपी कर लें और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। इतना काम करने के बाद में अब आपके लिए गूगल पे सर्च करना है सिल्क स्लाइडर। तो सिल्क स्लाइडर पे आप यहाँ पर जो पहला लिंक आ रहा है इस पे आप क्लिक करें और नीचे की तरफ स्लाइड करें तो यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं। हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले के डिस्प्ले बनाएंगे, यानी कि रिस्पॉन्सिव स्लाइडर बनाएंगे। तो मुझे ये वाले कोड को यूज करना है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। और मैं इसको अपने फुटर के नीचे स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसको मैं पेस्ट कर लूँगा। स्क्रिप्ट यहाँ पर इस तरह से मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपके लिए क्या काम करना है कि जो भी आपने यहाँ पर ये स्लाइडर जो भी नाम लिया है कंटेनर का, इसको आपको कॉपी करना है और इस कंटेनर को आप यहाँ पर आप पेस्ट कर दें इसको। अगर आपका आईडी में ले रखा है तो इसको डॉट को हटा के आईडी कर दें। इतना करने के बाद में आपको क्या काम करना है, जो भी आपने कार्ड बनाया है उसको आप 3 की जगह पे 12 पे चेंज कर लें। और अब मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ कुछ, पेस्ट पे 2 3 4 5 6 मैंने इतना कॉपी कर लिया। अभी हम एक बार चेक करते हैं तो हमारा स्लाइडर कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अभी आप देखोगे हमारा इंडिकेटर तो है बट अभी हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आप इंस्पेक्ट करोगे और हम इसके एरोस का कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर हमको कुछ इस चीज़ को कॉपी कर लें यहाँ से और अपनी CSS में जाएं और यहाँ पर हम इनके कलर को चेंज कर देंगे जिससे हमें ये विजिबल हो जाए। तो जस्ट मैं इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और मैं कलर कर देता हूँ अभी रेड। अभी एक बार चेक करते हैं तो हमारे इंडिकेटर्स हमें विजिबल हो गए हैं। एक्चुअली हमारे लिए लेफ्ट वाला हो गया बट राइट वाला अभी विजिबल नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर चलते हैं तो इसकी मैं एक कॉपी और निकाल लेता हूँ कॉमा से सेपरेट करके और डिसेबल प्रीव्यू। मैं इसको एक काम करते हैं, इसको सारे को भी हटा देते हैं, सभी हटा देते हैं। इतना हटा के मैं इसको V4 कलर रेड ऐसे मुझे प्रीव के लिए करना है तो मैं इसको इस तरह से
यूज कर लूँगा, अभी देखते हैं। तो अभी हमारे पास में इंडिकेटर्स हमें सही से डिस्प्ले हो रहे हैं। अभी आप देखोगे, अब हम इसके कुछ सेटिंग्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे लिए किसी क्रॉजल पे ये चाहिए, एरोस चाहिए या नहीं चाहिए, या इंडिकेटर्स हमें चाहिए नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी स्क्रिप्ट फाइल में आना है और यहाँ पर आप देखोगे कुछ सेटिंग्स हैं। अगर आपके लिए एरोज नहीं चाहिए, सॉरी डॉट नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप सिंपल इसको फॉल्स कर दें। तो अभी ये आपके लिए एरो दिखना बंद हो जाएंगे, डॉट दिखना बंद हो जाएंगे। यहाँ पर ये डॉट आ रहे थे वो बंद हो गए। अगर आपको एरो भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एरोस और इसको आप फॉल्स कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होते हैं। और अब मैं रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारे एरो भी रिमूव हो गए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस रेजुलेशन पे तो एरोज दिखें बट मोबाइल पे एरो दिखना बंद हो जाए, तो आप उनको किस तरह से कर सकते हैं। तो फिलहाल उससे पहले मैं एक बात और कर लेता हूँ, जैसा कि अभी के लिए मैं एरो को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी आप देखोगे जब मैं एक बार सिंगल क्लिक करता हूँ तो मेरी ये फोर कार्ड्स मेरे स्लाइड हो रहे हैं। इसको भी आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है ना स्लाइड टू स्क्रॉल, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोर दे रखे हैं, आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कितने आइटम स्लाइड कराने हैं वो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ और अब क्लिक करता हूँ तो एक कार्ड हमारा स्लाइड होगा इस तरह से। और अभी आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने यहाँ पर जैसे हमारी लास्ट स्लाइड आएगी तो ये मेरा डिसेबल हो जाएगा और हम इसके बाद में नहीं जा सकते। तो इसको आप कंटिन्यूसली लूप में कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो इनफाइनाइट दे रखा है इसको फॉल्स की जगह ट्रू कर दें। तो अभी ये आपका चलता रहेगा। अभी आप यहाँ को देखोगे तो ये हमारे लूप में कार्ड्स चलते रहेंगे। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप किसी रेजुलेशन के हिसाब से सेट करना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज आपके लिए डेस्कटॉप पे तो एरोस चाहिए बट हमारे लिए कुछ रेजुलेशंस में नहीं चाहिए, तो आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1024 रेजुलेशन पे टोटल स्लाइड हमें 3 चाहिए और हमको एक स्लाइड को हमें स्क्रॉल कराना है और ये हमारा इनफाइनाइट हमारा चलना चाहिए, हाँ चलना चाहिए। तो डॉट्स को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रू रहने दें, और अगर आप इसको हाइड करना चाह रहे हैं तो इसको फॉल्स कर दें। तो मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ अभी के लिए। और हमें एरोज भी यहाँ पर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एरो और मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। तो इस रेजुलेशन पे हमारे एरो दिखना बंद हो जाएंगे। अभी तो हमारे पास एरोज दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोटा करूँगा और ये 3 में आएगा, अभी तो ये 2 में क्योंकि 2 की सेटिंग्स अलग होंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ ये रेजुलेशन होगा, तो यहाँ पर हमारे पास में एरो और डॉट भी दिखना बंद हुआ है। तो अभी मैं इसको और छोटा करता हूँ एक रेजुलेशन के बाद में। अभी ये कार्ड का डिज़ाइन ज़रूर बिगड़ रहा है क्योंकि मैंने इस पर रिस्पॉन्स पे ध्यान नहीं दिया है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे ये एरो वापस फिर से आ गए। तो इनको भी आप सेट कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग रेजुलेशन के लिए अलग अलग ब्रेक पॉइंट दे रखे हैं। तो एक ये रहा, दूसरा हमारा ये ब्रेक पॉइंट रहा और एक हमारा ये। आप अपना कस्टम भी ब्रेक पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।